वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है किम से। किम के यूट्यूब चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में उसके ऑफिस के लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सब उसे बधाइयाँ देते हुए उसके लिए बहुत चीयर करते हैं। 1 मिलियन की ट्रॉफी पाने के बाद किम तो सातवें आसमान में होती है। वो सबको उनकी विशेष के लिए थैंक्स कहती है। तभी संगहुन चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। किम पीछे मुड़कर देखती है तो उसके चैनल में सब्सक्राइबर सच में कम हो रहे होते हैं। ये देखकर वो पैनिक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ये देखकर टीम लीडर के कहने पर उसके कलीग्स उससे 1 मिलियन की ट्रॉफी और बुके छीनने लगते हैं। लेकिन किम ट्रॉफी छोड़ने के लिए राजी नहीं होती। उन सब में खींचातानी चल ही रही होती है कि अचानक वो नींद से जाग जाती है। ये सब किम सपने में देख रही होती है। उसके पास खड़ी उसकी मॉम कहती है कि तुम नींद में ऐसी हरकतें मत किया करो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। असल में किम कोगास नाम की कंपनी में मीडिया टीम में है, जो कंपनी का यूट्यूब चैनल चलाती है। तभी उसकी मॉम अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है और ये देखकर वो भी अपनी मॉम के साथ मस्ती करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो तैयार होकर अपने फ्रेंड के घर पर जाती है। वो बिना नॉक किए अपने फ्रेंड के कमरे में घुस जाती है। अंदर जाते ही वो अपने फ्रेंड को देखती है, जिसने अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना होता है। किम के फ्रेंड का नाम तेहवान है। तेहवान की सेक्सी बॉडी देखकर किम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके कहती है कि ये मैंने सुबह सुबह क्या देख लिया। तेहवान उसे धक्के देकर अपने कमरे से निकाल देता है। बाहर वो अपनी और तेहवान की पुरानी फोटो देखकर कहती है कि ये पहले ज्यादा क्यूट था। तेहवान के बाहर आने पर किम उसे कोगास कंपनी ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस करती है। असल में तेहवान आज से ही कोगास कंपनी ज्वाइन कर रहा होता है। अब ऑफिस में जब किम कॉफी लेने जाती है तो एक हैंडसम लड़का आकर अचानक से उसे किस करता है। इस लड़के का नाम जियोंग वू है और वो कंपनी में डेप्यूटी डायरेक्टर है। किम और जियोंग सीक्रेटली डेटिंग कर रहे होते हैं। किम इधर उधर देखकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। जियोंग कहता है कि मैंने सब कुछ चेक करने के बाद ही तुम्हें किस किया था। फिर वो कहता है कि तुम तो पूरी लाल हो रही हो। किम कहती है कि तुम ऐसे अचानक से मुझे किस करोगे तो और क्या होगा। वो कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। जब किम मना करती है तो वो किम को छेड़ते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आया। ये सुनकर किम उसे सोफे पर गिराती है और बड़े ही सेंसुअली तरीके से उसे डीप किस करती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये कैसा लगा। जियोंग वू कहता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। फिर उन दोनों को मीटिंग में जाना होता है। किम अपने फ्रेंड तेहवान के बारे में पूछती है तो जियोंग कहता है कि वो मेरी ही टीम में है। ये सुनकर किम उससे तेहवान का ध्यान रखने के लिए कहती है। जियोंग कहता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है तो मैं उसका ध्यान जरूर रखूंगा। इसके बाद मीटिंग रूम में तेहवान सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। सब उसका वेलकम करते हैं। फिर टीम लीडर किम से उसके यूट्यूब चैनल के बारे में पूछती है। किम बताती है कि मेरे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। सियोंग वू उसकी साइड लेते हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छा है। पिछले कुछ टाइम से तुम्हारे वीडियोस पर व्यूज और लाइक्स भी बढ़ गए हैं। टीम लीडर किम से कहती है कि चैनल चलाते हुए तुम्हें 1 साल हो गया है, तुमने काफी अच्छा काम किया है। फिर टीम लीडर तेहवान से कंपनी के यूट्यूब चैनल के बारे में पूछती है। वो कहता है कि चैनल काफी अच्छा है, सारे वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है। जो लोग कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं वो वीडियोस देखकर कंपनी के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। तभी मैरी कहती है कि हमें कुछ अलग करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी के वीडियोस को देखें। ये सब सुनकर संगहुन कहता है कि क्यों ना हम लोग व्लॉग्स बनाएं, आजकल ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं। मैरी भी कहती है कि हम लोग अपने कैफेटेरिया का फूड दिखा सकते हैं, हमारा कैफेटेरिया काफी अच्छा भी है। टीम लीडर को भी ये आइडिया पसंद आता है। वो किम से व्लॉग बनाने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम पर काम का बोझ ज्यादा हो रहा है तो तुम जियोंग के साथ टीम बना सकती हो। लेकिन किम पोलाइटली मना कर देती है।
वो कहती है कि मैं इस आइडिया पर काम जरूर करूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो आप सबकी हेल्प भी ले लूंगी। बाद में किम कार में गहरी सोच में डूबी हुई होती है। जोंग के बुलाने पर वो अपनी सोच से बाहर आती है। वो जोंग से उसे घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो अचानक से उससे कहती है, ओप्पा चलो हम ये करते हैं। जोंग थोड़ा चौंकते हुए पूछता है कि क्या करते हैं, तुम किस बारे में कह रही हो? वो कहती है कि मैं वीलॉग के बारे में कह रही हूँ। जोंग कहता है, अच्छा तो तुम वीलॉग के बारे में कह रही हो? वो कहती है हाँ। जोंग कहता है कि मेरे अंडर ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है और अगर हम साथ में काम करेंगे तो पता नहीं हमारे कलीग्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो कहती है कि हम तो ये कंपनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जोंग फिर भी हाँ नहीं कहता। उसे चुप देखकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती हूँ। जोंग ऑफिस के कुछ लोगों के नाम लेकर पूछता है कि तुम उन लोगों के साथ वीलॉग बना लो। किम कहती है कि मैं उन सबके इतना क्लोज नहीं हूँ। फिर वो तेहवान के बारे में पूछता है। किम कहती है कि उसके साथ मैं वीलॉग में क्या करूँगी? वो कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी वो तो अभी कंपनी में नया आया है, उसे तो कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर किम को एक आइडिया आता है। वो जोंग से कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, एक रूकी जिसे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं उसे कंपनी के बारे में सब कुछ बताऊंगी। और फिर वो खुश होकर जोंग को हग करके कहती है कि तुम तो बेस्ट हो। फिर वो उसे बाय कहकर अपने इस आइडिया पर काम करने चली जाती है। नेक्स्ट डे वो तेहवान के साथ कंपनी के कैफेटेरिया में वीलॉग बनाती है। तेहवान वीडियो में आने से मना करता है, लेकिन जब किम नहीं मानती तो वो वीडियो में बड़े ही अजीब से एक्सप्रेशन बनाने लगता है। उसे ऐसे देखकर किम भी चौंक जाती है, लेकिन फिर किम सबको अपनी कंपनी और वहाँ के कैफेटेरिया के बारे में बताती है। तेहवान अभी भी वीडियो में अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा होता है। इसके बाद किम सबको अपनी कंपनी के बारे में और भी इम्पोर्टेंट बातें बताती है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो दोनों कैफेटेरिया से कॉफी ऑर्डर करते हैं। थोड़ी दूर से जोंग उन्हें देख रहा होता है। तभी मैरी आकर पूछती है कि क्या वो दोनों वीलॉग बना रहे हैं? ये अच्छा बनना चाहिए, किम ने काफी टाइम से कुछ अच्छा नहीं किया है। तभी जोंग उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि ये जरूर अच्छा बनेगा। ये सुनकर मैरी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। जोंग को किम की चिंता हो रही होती है। इसके बाद के वीलॉग में किम सबको बताती है कि ये तेहवान बचपन से हर जगह मेरा पीछा करता आ रहा है, चाहे वो प्ले ग्रुप हो, प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर अब यहाँ, पिछले 20 सालों से ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वो ये कह रही होती है, लेकिन तेहवान उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। फिर वो उससे पूछती है कि बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर तेहवान को हंसी आ जाती है। किम पूछती है कि कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ? तेहवान कहता है कि मेरे पास तुम्हारे बचपन की फोटो पड़ी है। ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो सबको फोन में फोटो दिखाता है और किम उसे फोटो दिखाने से रोकती है। वो उससे फोन छीनने की कोशिश भी करती है। जब वो उससे फोन नहीं छीन पाती तो वो उसे धमकाते हुए कहती है कि भूलो मत, ऑफिस में मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हें मुझसे डर कर रहना चाहिए। तेहवान कहता है कि ये फोटो मेरे हाथ में होने से तो ऑफिस में मुझे और भी मजा आएगा। और अब हम देखते हैं कि उनका ये वीडियो वायरल हो जाता है। लोगों को ये बहुत पसंद आता है। इस वीडियोस पर व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स लगातार बढ़ने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कोकास के साथ काम करने के लिए लिखा होता है। ये कमेंट्स पढ़कर टीम लीडर बहुत खुश होती है। जब किम और तेहवान कंपनी में आते हैं तो सब उन्हें देखते हैं। सबको अपनी ओर ऐसा देखता देखकर उन दोनों को भी थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन तभी टीम लीडर उन्हें उनके वीडियो के लिए शाबाशी देती है और सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। मैरी पूछती है कि क्या तुम दोनों सच में बस फ्रेंड्स ही हो? किम कहती है कि हम दोनों सच में फ्रेंड्स ही हैं। फिर मैरी जोंग से पूछती है कि क्या तुमने वीडियो देखा? जोंग कहता है कि वीडियो बहुत अच्छा था। तभी किम सबसे कहती है कि मुझे ये आइडिया जोंग ने ही दिया था।
उसने ही मुझे तेवान के साथ वीलॉग बनाने के लिए कहा था। संगुन उसे कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत बढ़िया निकला। फिर किम अपनी सीट पर जाती है। टीम लीडर उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ये जरूर कर लोगी, तुमने अच्छा काम किया। ये सुनकर किम उन्हें थैंक्स कहती है। टीम लीडर के जाने के बाद किम खुशी से उछलने लगती है। अब हम एक अंधेरे कमरे में किसी को कंप्यूटर पर कुछ लिखते देखते हैं। वो किम के वीडियो पर कमेंट करता है कि मुझे पता है कि इसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और यहाँ ये दूसरा चक्कर चला रही है, क्या ये चीटिंग नहीं है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ये कमेंट करने वाला आखिर है कौन, उसकी किम से क्या दुश्मनी है और उसकी इस कमेंट से क्या किम किसी मुश्किल में फंसेगी। इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।